आज का अगला सूत्र। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं, हियर इज द स्फीयर ऑफ चेंज, चेंज एंड ओनली चेंज, थ्रू चेंज कंज्यूम चेंज। यह संसार परिवर्तन का वर्तुल है, परिवर्तन और केवल परिवर्तन का। परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को विसर्जित करो। पहले के सूत्रों से इसका सिरा जुड़ा हुआ है ही, ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। क्या ये सूत्र साधारण सा दिखता है? क्या इस सूत्र के अंदर धधकती हुई आग पकड़ में आती है? ये सूत्र ऐसे ही है जैसे एक वॉल्केनो, एक ज्वालामुखी। इसको हाथ लगाने से हर कोई डरता रहा है, क्योंकि इस सूत्र की प्रज्ञा को साध लेने का मतलब एक वॉल्केनिक जो एक्सप्लोजन है, ज्वालामुखी का विस्फोट जो सब कुछ तितर बितर तहस नहस कर देता है और कुछ नए का निर्माण करता है। धर्मों के द्वंद को विलीन कर देता है। ये संसार परिवर्तन का है, परिवर्तन का वर्तुल, एक चक्र जो घूम रहा है, परिवर्तन और केवल परिवर्तन, चेंज चेंज एंड ओनली चेंज। यहां तक बात तो ठीक थी, लेकिन परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को विसर्जित करो, यही है ज्वालामुखी, यही है लावा, इसके अंदर बहता हुआ लावा। क्योंकि व्यक्ति विभाजित करे तो उसको आसानी हो जाए। हर कहीं जितनी भी साधना पद्धतियां देशनाएं हैं वो परिवर्तन से भागती हैं। तंत्र भागना नहीं सिखाता, तंत्र जहां है वहीं जागना सिखाता है, भागना नहीं। न भागना न भोगना, केवल जागना। तो इसीलिए चेंज को चेंज से कंज्यूम कर लेना, परिवर्तन को परिवर्तन के माध्यम से विसर्जित कर देना, अर्थात परिवर्तन में उतर जाना। व्यक्ति ये काम नहीं करता, वो भागता है, इसीलिए उसको लगता है कि ठीक है, जो चीजें बुराइयां ला रही हैं हम उनसे ही हट जाते हैं, वो आसान रास्ता लगता है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि हर साधना पद्धति में हमको वही देशना मिल जाएगी, तुम्हें काम वासना से मुक्त होना है तो काम वासना से हटो, तुम्हें क्रोध से मुक्त होना है तो क्रोध से हटो, तुम्हें लोभ से मुक्त होना है तो लोभ से हटो, तुम्हें संसार से मुक्त होना है तुम्हें संसार से हटना है। संसार से हटेंगे तो कहां जाएंगे? कोई नई वायवी एब्स्ट्रैक्ट दुनिया में। तुमको परिवर्तन के जगत के खिलाफ कोई और दुनिया खड़ी करनी होगी। तुमको अज्ञान से हटना है तो तुमको ज्ञान का एक भवन बनाना पड़ेगा, चाहे वो ताश का हो, चाहे रेत का हो, चाहे वो किसी भी क्षण किसी भी लहर से धराशायी हो जाए। क्या पहले ज्ञान के भवन नहीं बने थे? या हम ही बना रहे हैं? हम पहले पहले पैदा हुए हैं जो हम ज्ञान का भवन खड़ा कर रहे हैं। कितने भवन बने अस्तित्व की काल की लहरों में, वो कितनी बार धराशायी हो गए, कोई इसको देखता नहीं। तंत्र कहता है कि देखो सब बदल रहा है, यहां पर सब कुछ एक बड़े बदलाव का नृत्य है, तो बदलाव से परिवर्तन से भाग कर तो कोई परिवर्तित होगा नहीं। परिवर्तन में उतर कर, परिवर्तन के साथ एकाकार होकर, लयबद्ध होकर, ट्यून होकर, परिवर्तन को जानकर, चेंज ऑफ जो चेंज का जो है नेचर ऑफ चेंज है उसको जानकर, क्योंकि परिवर्तन का अगर स्वभाव ही हम नहीं जानेंगे तो हम उससे रूपांतरण में कैसे जाएंगे। तो इसलिए ये सूत्र बहुत सरल सा होते हुए भी बहुत ही गहन
विराट, व्यापक, एक्सप्लोसिव, विस्फोटक है। परिवर्तन से लोग घबराते हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन में परिवर्तन नहीं चाहता, इसीलिए तुम देखो कि लोग किसी न किसी प्रकार के स्थायित्व में लगे हैं। जीवन में वो कोई न कोई प्रकार का स्थायित्व लाना चाहते हैं। स्थायित्व संसार की स्थितियों का, या स्थायित्व अध्यात्म की स्थितियों का, या स्थायित्व अपनी धारणाओं का, संबंधों का स्थायित्व। और जीवन तो ऐसा है जैसे बह रहा है निरंतर एक नदी की तरह, कुछ भी ठहरा नहीं है। तो ये जो व्यवस्था अपने जीवन में लाएंगे उसको हमें समझना अति आवश्यक है। इसके लिए भी एक मुझे स्टोरी याद आती है, बड़ी सुंदर सी, उसको पहले शेयर करते हैं। एक छोटी सी पुस्तक आई थी बहुत पहले, बहुत पहले का मतलब कई साल हो सकते हैं, 10-15-20 साल भी हो सकते हैं, आई डोंट रिमेम्बर। स्पेंसर जॉनसन की एक पुस्तक थी, हु मूव्ड माई चीज, बहुत ही बेस्ट सेलर पुस्तक रही थी। पतली सी किताब थी, छोटी सी, उसमें एक कहानी थी। एक भूल भुलैया में, तमाम रास्तों से बनी हुई एक भूल भुलैया है, उसमें कुछ चीज स्टेशंस हैं। उसमें दो चूहे रहते हैं और दो चूहों जैसे ही लिटिल मैन, छोटे आदमी रहते हैं। तो लोगों को वो दिखते नहीं, वो अपना काम करते रहते हैं। अब यहाँ पर चीज से उसका जो तात्पर्य था, लेखक ने पुस्तक में भी मेंशन किया, बड़ी सुंदर पुस्तक थी, आज भी मेरे स्मृति पटल पर वो बड़े स्पष्टता से उभर रही है। तो वो कहते हैं कि चीज जीवन का कोई लक्ष्य कोई भी हो सकता है, वो संबंधों का, भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक। कोई शांति चाहता है वो उसका चीज है, कोई इनलाइटनमेंट चाहता है वो उसका चीज है, कोई समाधि, कोई अंडरस्टैंडिंग चाहता है वो उसका चीज है, कोई प्रेम चाहता है, संबंधों में स्थायित्व चाहता है वो उसका चीज है, धन, जीवन में कुछ और चीजें। तो सबके अपने अपने चीज हैं, इसी को वो कहते हैं वैरायटी ऑफ चीज। अब बड़ी छोटी सी प्यारी सी कहानी है, वो कहते हैं कि एक दिन अचानक दोनों लिटिल मैन, जो चूहों जैसे ही हैं, और दो चूहे, वो भूल भुलैया में घूमते हुए एक चीज स्टेशन में पहुंचते हैं। तो सिंबॉलिकली उसका नाम रख देता है चीज स्टेशन सी, सेक्शन सी, चीज स्टेशन सी। वहां पर वो देखते हैं, अरे चीज का अंबार लगा है, बहुत मात्रा में वहां पर चीज है। बड़े खुश होते हैं। अब चूहे अपनी इंस्टिंक्टिव वृत्ति से चलते हैं, सूंघते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं और खाना शुरू करते हैं, वो उसको निबलिंग शुरू करते हैं और पेट भर के खाते हैं, खुश हो जाते हैं। जो लिटिल मैन है, छोटे आदमी है, चूहों जैसे, जो वो भी खाते हैं, खुश होते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि उनके घर से इधर आना एक रिचुअल बन जाता है। रोज चूहे भी अपने घर से निकलते हैं, चीज स्टेशन पहुंचते हैं, उस भूल भुलैया में खाते हैं, दिन भर रहते हैं, चले जाते हैं। दोनों छोटे आदमी भी निकलते हैं। अब छोटे आदमी चूंकि आदमी है, सिंबॉलिक उसने स्टोरी ली है, तो उनका अपना दिमाग भी है, वो सोचते भी, चूहे सोचते नहीं, चूहे तो बस चीज मिला है, खा रहे हैं, खुश हैं इंस्टिंक्टिवली। आदमी लोग सोचने लगते हैं, वो तमाम कॉम्प्लेक्स बिलीफ्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट और कॉम्प्लेक्स चीजें अपने अंदर लेकर आ जाते हैं, तमाम जटिलताएं, और उनको लगता है कि ये उनका अचीवमेंट है, ये जो है ये उनको मिल गया, ये उनकी उपलब्धि है। फिर उनको ये भी लगता है कि ये हमारे अच्छे एफर्ट्स का, हमारे अच्छे मैनेजमेंट का नतीजा है, हमारे सारे प्लान्स का नतीजा है, जिससे ये हमको चीज का अंबार मिला है। तो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगते हैं। फिर जो अपने सुबह सुबह जॉगिंग पे निकलते थे, वो शूज, अपना ट्रैक सूट, वो सब उठा के रख देते हैं
और कुछ दिनों के बाद वो चीज स्टेशन के नज़दीक ही अपना घर भी बना लेते हैं, छोटा सा घर, छोटे लोग हैं, छोटे आदमी तो छोटा घर बनाओ, चूहे अपना वैसे ही आते जाते हैं। अब वो वहाँ पर घर बना लेते हैं और मान के चलते हैं कि ये उनकी संपत्ति हो गई, वो इसके लिए इंटाइटल्ड हो गए। हु मूव्ड माई चीज, किसने मेरा चीज हटा दिया, ये उसका था शीर्षक। तो खाते खाते फिर वो बिल्कुल वहाँ पर अभ्यस्त हो गए हैं, आलसी भी हो गए हैं, ध्यान भी नहीं देते चीज़ों पे, क्या बदल रहा है, क्या चेंजेज हो रहे हैं। कभी कभी उनको लगता है कि कुछ चीज़ कम हो रहा है, कुछ चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन वो नोटिस नहीं करते। चूहे इंस्टिंक्टिवली चूँकि स्निफ करते हैं, सूंघते हैं, तो जब आते हैं तो चारों तरफ सूंघ सूंघ के देखते हैं और वो देख रहे हैं कि चीज़ कम हो रहा है धीरे धीरे। एक दिन अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है, जब वो पहुंचते हैं चूहे तो देखते हैं चीज गायब, चीज हट गया। तो चूहों को कोई से फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बेचैन होते हैं। चूहों ने अपने जूते और ट्रैक सूट अभी हटा कर रखे नहीं थे, वो उनके पास ही रहते थे, तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, क्या करें, कहा चलो ढूंढते हैं। चूहों ने फिर अपने जूते पहने, ट्रैक सूट डाला और उस भूल भुलैया में निकल गए। इधर उधर टकराते, टुकराते और कहीं वो एक चीज स्टेशन पर पहुंच गए जो पहले से भी कहीं बहुत बड़ा, बहुत इनॉर्मस था, इतनी वैरायटी का था, उनको पता ही नहीं था। वो वहां पर अपना खाने पीने लगे चूहे। चूहों की तो कहानी उधर हो गई। ये जो अब कहानी का मेन बिंदु है, जो चेंज पर बेस्ड है सारी ये स्टोरी, ये दोनों फिर जाते हैं सुबह, जब देखते हैं चीज गायब, एकदम भौचक्के रह जाते हैं। चूहों ने सोचा नहीं कि किसने मेरा चीज हटा दी, क्योंकि चूहों ने उसको अपना माना ही नहीं था, उनको चीज मिला था वो खा रहे थे, इन्होंने उसको अपना मान लिया था। जैसे हम हर चीज को अपने संबंध, अपनी संपत्ति, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सबको हम अपना मान लेते, पर्सनलाइज कर लेते, इंसान की जो बीमारी है। तो ये आदमी फिर कहता है कि किसने मेरा चीज हटा दिया, हु मूव्ड माई चीज। अब वो उठापटक शुरू होती है। अब वो दो हैं उसमें कैरेक्टर, रोना गाना कि फिर यही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ, वाई मी, कौन है, मैं तो इसके लिए इंटाइटल था, मैंने इसके लिए कितना परिश्रम किया, कुछ नहीं था, वो तो मिला था। यहीं पर अद्वैत का दर्शन है, हैपनिंग थी, लेकिन हैपनिंग को उन्होंने अपना एफर्ट, अपना अचीवमेंट बना लिया था। वो रोना गाना चलता रहता है। एक उसमें जो लिटिल मैन है वो अपसेट हो जाता है एक दिन, उसको लगता है कि ये रोना गाना तो बहुत हो गया, ऐसे ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो वो फिर अपने घर आता है, अपने जूते निकालता है, ट्रैक सूट, सोचता है कि आगे चल के कुछ ढूंढते हैं। वो पहले वाले को समझाता तो पहले वाला कहते नहीं, मुझको यही वाला चाहिए, ये मेरा चीज़ था, मुझे अपना वाला ही चीज़ चाहिए, मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए। वो नहीं मानता है, वो निकल जाता है ढूंढने। तो पहले नहीं मिलता है, इधर उधर वो भटकता रहता है। आगे जाकर वो कभी कभी ये भी दुविधा में पड़ता है कि शायद कहीं गलत तो नहीं मैंने कर दिया, वही सही था, वो अपनी जगह पर था, क्योंकि वो पहले वाला कह रहा था ये जानी पहचानी जगह है, हम यहीं रहेंगे, आएगा चीज, वापस आएगा हमारा चीज, कुछ होगा। इसके पहले ये भी होता है, हाँ, जाने से पहले वो सोचते हैं कि किसी ने, लग रहा है, शिफ्ट कर दिया, शरारत करी है, दीवार के उस पार कर दिया। जैसे अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद ये बदला नहीं, जैसे किसी के यहाँ किसी की डेथ हो जाए तो लोग उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते कि गया गया, वो कहीं नहीं है, सोचते नहीं नहीं बस इस पार होगा, बस कोई साइकिक मीडियम मिल जाए, उससे हम कन्वर्सेशन कर लेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट लाकर दीवार में छेद करते हैं, सोचते छेद के उस पार होगा। कई दिन की मेहनत के बाद जब वो छेद कर लेते हैं तो देखते हैं उधर भी खाली है, नतीजा केवल एक छेद है और कुछ वो कर नहीं पाए। वहां पे जो बाहर निकला था वो फिर सोचने लगता है कि ये सही कर रहे हैं हम, कि हमको बदलना चाहिए, हमको आगे जाना चाहिए। लेकिन पहले वाला जो बहुत रोने पीटने वाला, वो कहता नहीं कोई बात नहीं, ये होगा कहीं यहीं पर, आएगा, मिलेगा हमको, हम छोड़ कर नहीं जाएंगे जगह। तो दूसरा व्यक्ति जो निकला वो निकलता जाता है, जाता बहुत आगे जाता है तो उसको कहीं छोटे छोटे चीज़ के टुकड़े भी मिलते हैं जो वो खा लेता है।
तो उसके अंदर जो इंसाइट आती है उसमें वो कहते हैं कि वो दीवार पर उनको लिखता हुआ चलता है, उस बुक में भी उसको मेंशन करते हैं कोटेशंस की तरह। तो उसको पहली अवेकनिंग आती है कि चेंज को नोटिस करना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वो सोचता है कि चीज तो खत्म हो रहा था, डे बाय डे उसमें परिवर्तन तो हो रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया था, हमने उसे मान लिया था जैसे कि हमेशा के लिए। भटकते हुए वो फिर कहीं पहुंचता है तो उसको और चीज के टुकड़े मिलते हैं, तो उसको उम्मीद बनती है कि शायद आगे कुछ होगा। लेकिन इस यात्रा के दरमियान उसको जो रियलाइजेशन होता है, उसको लगता है क्या जो चीज था वही मेरा लक्ष्य है, जो मुझे अच्छा लगने लगा है, मैं ज़्यादा फ्री, ज़्यादा अलाइव महसूस कर रहा हूँ। तो उसको दिखाई देता है कि जो परिवर्तन पर पकड़ थी उससे जो हमारा भय जा रहा है, जो फियर हमारा जा रहा है, उससे हम ज़्यादा रिलीव्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि ये बदल ना जाए, ये हमारे हाथ से चला ना जाए, इसका जो भय था उससे हम ज़्यादा आक्रांत थे, अब हम एटीज होते जा रहे हैं। तो इस इंसाइट के बाद वो सोचता है, फिर जाकर अपने पहले वाले दोस्त से मिले, उसको समझाएं कि पकड़ने से हल नहीं निकलेगा, परिवर्तन को स्वीकार करने से हमको एक शक्ति, एक आज़ादी का एहसास होता है जो हमको कुछ ढूंढने में सहायता देता है। वो आता है, समझाता है, लेकिन वो तो अपनी जिद पे अड़ा है। वो कहता ऐसे कैसे हो सकता है, जानी पहचानी जगह है हमारी, ऐसे कैसे छोड़ दें, इतनी मुश्किल से बनाया था हमने इसको, इतनी मुश्किल से इसको हमने तलाशा था, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे। जैसे कोई संबंध कितने भी ढह जाएं, लोग उसी में सड़ते रहेंगे, क्योंकि इतनी मुश्किल से खड़े किए थे। कोई व्यवस्था कितनी भी सड़ जाए, लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, लोग आदतों को नहीं छोड़ेंगे, तमाम ढांचों को नहीं छोड़ेंगे, पकड़ कर उसमें बैठे रहेंगे। फिर कहानी कहते एकदम घूमते घूमते वो पहुँचता है चीज स्टेशन एन पे, जहाँ पर चूहे पहले से ही उसको दिखते हैं, खा खा के उनका पेट मोटा हो गया है, और वहाँ तो बहुत वैरायटी का, बहुत तरह तरह का जो चीज़ है उपलब्ध है। तो वहाँ पर वो अपना उनको खाता पीता है, टेस्ट करता है, और इस बार अपने जूते और ट्रैक सूट उठा कर फेंक नहीं देता है, उनको संभाल के रखता है, क्योंकि फिर आगे निकलने की ज़रूरत पड़े तो निकला जा सके। और फिर उसको इनसाइट आती है कि ये चीज नहीं था जो मुझे पाना था, मुझे उस परिवर्तन के साथ जीना सीखना था, और परिवर्तन हो ना जाए, जो है वो चेंज ना हो जाए, इसका जो फियर था इससे हटना था, इसकी जो आज़ादी थी, ये जो मुक्ति थी, उस वो हमारा प्राइमरी जो अचीवमेंट है वो है। उसके कारण हमको ये चीज़ भी मिल गया है, हमको ये जो यानी कि जो भौतिक लक्ष्य है वो भी मिल गया है। तो इस सेंस में यूँ तो ये स्टोरीज कॉर्पोरेट्स में बहुत जगह लोगों ने शेयर करी जब इसका चर्चा था, लेकिन अगर इसको स्पिरिचुअली देखें, लिब्रेशन की जो बात होती, जो मुक्ति की, वो चीज़ से भाग जाने की नहीं है, यानी संसार से भाग जाने की नहीं है, जो संसार पर परिवर्तन की पकड़ है, हम जो परिवर्तित उसको होता हुआ देखना नहीं चाहते, उसकी है, उसको स्वीकार करते लिबरेशन है, मुक्ति है। और जब मुक्ति है तो मुक्ति के बाद जो हमारे लक्ष्य हैं वो भी हमको मिल जाते हैं, क्योंकि फिर हम रोते पीटते नहीं, सहज हो जाते हैं, हम आसानी से देख पाते हैं, हमको चीज़ें मिल जाती हैं। तो जब परिवर्तन घटे तो उसके साथ परिवर्तित हों, परिवर्तन को विसर्जित करें। परिवर्तन से इसका तात्पर्य यही है कि परिवर्तन के साथ बहें, चलें, रिजिड ना हो। एक एंडी वॉल्स की भी बड़ी खूबसूरत किताब आई थी, उसका भी टाइटल बड़ा अच्छा था, उसमें भी चेंज पर बड़ी अच्छी उन्होंने चीज़ें कही थी। टाइटल था व्हेन एवरीथिंग चेंजेस देन चेंज एवरीथिंग, जब सब कुछ बदलता है तब सब कुछ बदल दो, अर्थात परिवर्तन को परिवर्तन से विसर्जित करो, अटक कर मत रहो, जीवन की संभावनाओं को खुला रखो, बहो, आगे चलो, जीवन कहीं सिमटता नहीं, रुकता नहीं,
ये जीवन की नदी निरंतर आगे आगे और आगे बहती चली जाती है। ये काल चक्र है, ये घूम रहा है, यहाँ कुछ टिका नहीं। अतीत की क्या क्या चीजें बह गईं, कुछ टिका? हम टिकाने की कोशिश में लगे हैं, आज तक कुछ टिका नहीं, बड़ी बड़ी चीजें बह गईं। तो परिवर्तन का ये जगत है, जैसा कि सूत्र कहता है, तो परिवर्तन से लड़ाई मत लड़ो, परिवर्तन के साथ सहज रहो, परिवर्तन के साथ आनंदित हो। जीवन में हम छोटी छोटी बातों में तो करते हैं, लेकिन बड़ी बातों में नहीं करते, या हम कहीं हर जगह नहीं करते। तुम्हारे घर मान लो छोटा बच्चा आता है तो खुश होते हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ा तनाव का भी विषय बन जाता है। अब क्या करेंगे, पढ़ाई कैसे इसकी, ये वो, भविष्य इसका क्या होगा। लेकिन अगर छोटे बच्चे को भी देखें, उसमें परिवर्तन इतना तेज हो रहा है कि हम उसको देख पाते हैं, लेकिन हम हर परिवर्तन को एंजॉय करते हैं, इसीलिए हम सहज हो पाते, इसीलिए वो खुशी भी बनती है। हर परिवर्तन बच्चा भी एंजॉय कर रहा है और हम भी उसके साथ हर परिवर्तन को एंजॉय कर रहे हैं, उसके बड़े होने को एंजॉय कर रहे हैं। हर चीज़ में हम खुश हैं क्योंकि बदलाव के साथ हम रजिस्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चा भी रजिस्ट नहीं कर रहा है और उसका सौंदर्य है। यहाँ पर परिवर्तन के साथ हम शामिल, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, वार्धक्य आता है, बुढ़ापा आता है, मैच्योरिटी आती है, तब क्या होता है, तब हम परिवर्तन को रजिस्ट करते हैं। रजिस्ट करने से हम ज़्यादा पीड़ित होते हैं बजाय कि बढ़ने से। बच्चों में कभी नहीं आता कि बच्चों को बड़ा करने की क्रीम आती, मुझे नहीं पता, हो सकता आती भी हो, मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे तो अपने आप ही बड़े हो जाने हैं, उनको तो रोक सकता नहीं कोई, लेकिन हो सकता है कोई क्रीम है, रोज बच्चे के हाथ पे क्रीम लगाएं तो बच्चे का हाथ जल्दी बड़ा हो जाएगा, रोज उसका चेहरे पे क्रीम लगाएं तो चेहरा उसका जल्दी ग्रो हो जाएगा, या उसके सिर में ये तेल लगाएं तो उसका दिमाग ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा। बच्चे का तो बढ़ ही रहा है, बढ़ेगा ही, लेकिन बड़े होने पे जरूर है, रिंकल रिमूवर क्रीम, बाल काले करने के प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट। मैं नहीं कह रहा कि काले या डाई नहीं करने चाहिए, वो एस्थेटिक वैल्यू है, हमको अच्छे लगते हैं तो करें, नो प्रॉब्लम। तंत्र यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल बॉडम बन के घूमें, बात समझें, तंत्र किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करता है, वो कह रहा है कि ठीक है, अगर आपको बाल कलर करना अच्छा लगता है तो करिए, आपको रिंकल्स नहीं अच्छी लग रही है तो आप करिए उपाय, जो भी करना, योग करिए, प्राणायाम करिए, क्रीम लगाइए, लेकिन रेजिस्ट मत करिए। ये मत सोचिए कि रिंकल नहीं आनी चाहिए थी, झुर्रियाँ नहीं पड़नी चाहिए थी, तब आप फंस जाएंगे, तब आप तनाव के शिकार हो जाएंगे। अन्यथा वो भी आपके लिए ज्वाय है कि ठीक है, आपको दिखा कि ये रिंकल्स आ रहे हैं, आपने क्रीम लगाई, खुश हैं, कोई बात नहीं, कम हो जाती है, परेशानी नहीं। वो ये नहीं कह रहा राख लपेट के घूमे, तंत्र ये नहीं कह रहा कि कल को बिल्कुल अघोरी नागा बाबा बन के घूमे आप। सब करिए, जो करने का मन है सब करिए, लेकिन ट्रैप में मत आइए, उसके शिकार मत होइए कि ये नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, शरीर अब डिके कर रहा है, बढ़ा था अब डिके कर रहा है, क्षय हो रहा है, तो उसके क्षय होने को स्वीकार कर लीजिए, आप देखेंगे सहजता है। इसी तरह से बहुत विद्वान लोग होते हैं, अक्सर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, वो अपनी विद्वता, अपने ज्ञान पर इतनी पकड़ बना लेते हैं, उनको लगता है जैसे कुछ अचीव कर लिया है, उन चूहों की तरह जिनको लगता था कि मैंने चीज अचीव कर लिया है, तुम्हारे ऊपर ज्ञान घट गया है, तुमने अचीव नहीं किया, जैसे उनका चीज किसने रखा, तो बार बार ब्लेम करता था, किसने हटाया, वो अस्तित्व है, किसने अस्तित्व है। तो अक्सर ये देखा गया मनोवैज्ञानिक रिसर्चेज में, शोधों में, कि जो लोग अपने ज्ञान पे बड़ी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान ना बदल जाए, वो कई बार स्मृति लोप के शिकार हो जाते हैं, मेमोरी वॉश हो जाती है, मेमोरी लैप्स हो जाती है। बड़े बड़े दार्शनिक, इतिहास के पन्ने पलट के देख लें, बड़े बड़े विद्वान अचानक एक दिन सब स्लेट साफ हो गई, है तो हार्ड ड्राइव ही ना,
हार्ड ड्राइव क्रैश कर जाती है। ज़्यादा उसमें डेटा डालेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे, कभी हार्ड ड्राइव को जब आपने लगाया अपने सिस्टम में तो देखा है, वो जब फुल होने लगती तो एक वार्निंग दे देती है, रेड साइन, कि बस अब बंद कर दो, अब मत डालना डेटा इसमें। अच्छा, उसकी हेल्थ के लिए तो थोड़ा स्पेस छोड़ दो। अब तुमने सोचा कि 1 TB की हार्ड ड्राइव ली थी, अब पूरा 1 TB एक एक KB निचोड़ निचोड़ के इसमें डाल देंगे तो कभी कभी क्रैश कर जाती। 1 TB की थी, 10-20 GB खाली छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, तो वो बैलेंस रहती। तो ये इस हार्ड ड्राइव में कभी कभी लोग इतना इतना डेटा डाल देते हैं एकदम क्रैश कर जाता है, इतिहास के पन्ने भरे पड़े। वो इसलिए क्योंकि उनको ज्ञान पर बड़ी पकड़ थी। तो अपने ज्ञान के प्रति भी गैर गंभीर हो जाए, कभी कभी बच्चों जैसा होने का, अज्ञानी होने का आनंद लें, परिवर्तन का ये जो नृत्य है उसका आनंद लें। सब कुछ बदल रहा है यहाँ पर, टॉप टू बॉटम, बीज से वृक्ष तक, अमावस से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से फिर अमावस तक, दिन से रात तक, रात से फिर दिन तक, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। तो कुछ भी ठहराने की कोशिश ना करें। काम आता है, काम में जाएं, क्रोध आता है, जाएं। कैसे जाएंगे, उसके सूत्र से बात कर चुका है तंत्र पहले ही, और उनको विसर्जित करें। परिवर्तन से लड़ाई लड़े बिना, परिवर्तन के साथ चलकर, परिवर्तन को स्वीकार करके, परिवर्तन को भांप कर, परिवर्तन को देखकर, स्वयं परिवर्तन के नृत्य में शामिल हो, और परिवर्तन विसर्जित हो जाता है और तुम्हारे भीतर का वह परिवर्तनशील जो केंद्र है वो पूरी तरह आलोकित हो जाता है। उसी के ऊपर तो सब चल रहा है।